इंदौर में मेट्रो की आधारशिला कैलाश विजयवर्गीय ने रखी और तात्कालिक सीएम और ताई ने मेट्रो को मूर्त रूप दिया है। यह बात सांसद शंकर लालवानी ने कमलनाथ के मेट्रो शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मेट्रो ट्रेन परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ और तमाम मंत्रियों के सामने सांसद शंकर लालवानी ने संबोधित करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले ऐसे प्रयास शहर में होते रहे हैं। यहाँ मेट्रो की भी आवश्यकता है। तत्कालीन सीएम ने इसके लिए प्रयास किए थे। उन्होंने भाजपा द्वारा बीआरटीएस को लेकर किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इंदौर में मेट्रो ट्रेन का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में बताने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में देश में लगभग 8 शहरों में मेट्रो के लिए घोषणा की थी और इंदौर मेट्रो की जहाँ तक बात करें इसकी अति आवश्यकता भी थी, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा फोर व्हीलर रजिस्टर हो रहे हैं तो वो इंदौर में ही हो रहे हैं। सड़कें चौड़ी करना एक तरफ है, लेकिन उसके बाद में ट्रैफिक की समस्या अपनी जगह जायज होता है। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कैसे बढ़ावा मिले, पूर्व में बीआरटीएस में बसें चलाई गई, इंदौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसें चलाई गई, पर यह आवश्यकता है कि मेट्रो की भी यहाँ आवश्यकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि 2005 में आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी आधारशिला उस बीआरटीएस उस समय इस मेट्रो के डीपीआर बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी और आदरणीय सुमित्रा महाजन जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको मूर्त रूप दिया था और विधानसभा चुनाव के पहले कुछ हिस्सा इसका बनना ही प्रारंभ हुआ था, पर विधिवत आज भूमि पूजन हुआ है। मैं आप सबको और इंदौर वासियों को इस अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूँ कि इसके बनने से इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में एक नया इतिहास रचेगा और इंदौर को एक नई सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर एक तरफ कमलनाथ सरकार जहां मेट्रो को अपनी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं सांसद शंकर लालवानी ने पूर्व की भाजपा सरकार की उपलब्धि बताते हुए कमलनाथ सरकार को करारा जवाब भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।